रहीम, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी हार्मोनल रेगुलेशन रिगार्डिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। हमने ये कहा था कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो हैं इनका बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं और ये बोन ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो सीरम लेवल्स ऑफ द कैल्शियम एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द कैल्सिट्रोल। जो कैल्सिट्रोल है बेसिकली वो सीरम लेवल यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल क्या होगा इसको कंट्रोल करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। और जो कैल्सिट्रोल है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्सिट्रोल बेसिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कैल्शियम और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड के अंदर इन्फ्लुएंस करेंगे। बोथ विच रिस्पॉन्ड टू अ डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल। वो कह रहे हैं कि ये दोनों उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरम लेवल कंसंट्रेशन कम हो गई है। यानी अगर किसी के ब्लड के अंदर ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो उस वक्त पैराथायराइड हार्मोन और जो कैल्सिट्रोल है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। कैल्सिट्रोल जो है दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। यानी कैल्सिट्रोल जो है इसकी दैट इज़ एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और इसका इंपॉर्टेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है वो किडनीज का होता है क्योंकि कैल्सिट्रोल जो है इसकी प्रोडक्शन किडनीज के थ्रू होती है। इंक्रीजेज द सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड फॉस्फेट बाय इंक्रीजिंग दी बोन रिजॉर्प्शंस। ठीक है, अब देखिए हमने ये कहा था कि कैल्सिट्रोल और पैराथायराइड हार्मोन ये बोथ उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जिस वक्त सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गया। तो जिस वक्त सीरम कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर कम होगा तो उसकी वजह से ये एक्टिवेट होंगे और ये चाहेंगे कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन सीरम के अंदर बढ़ जाए। सो कैल्सिट्रोल इंक्रीजेज द सीरम कैल्शियम एज वेल एज द फॉस्फेट बाय इंक्रीजिंग द बोन रिजॉर्प्शन एंड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट। अब जो कैल्सिट्रोल है इसने क्या करना है कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराते हैं कैल्शियम की डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स के थ्रू। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन यानी कि बोन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी और जो रीनल एब्जॉर्प्शन है यानी कि एब्जॉर्प्शन थ्रू किडनीज ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों की दोनों ज़्यादा हो जाएंगी। तो जाहिर है अब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक सर्टन टाइम के बाद जो है वो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल हमारे ब्लड सीरम के अंदर ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ये चीज़ देखी कि किस तरह से कैल्सिट्रोल जो है वो जिस वक्त डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल होता है फिर उसको एक नॉर्मल लेवल तक लेके आता है। उसके बाद हम देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन दैट इज़ फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड्स इंक्रीजेस द सीरम कैल्शियम लेवल्स। इसका काम भी यही है कि इसने कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना है बाय इंक्रीजिंग द बोन रिजॉर्प्शन। मेथड इसके भी वही हैं क्योंकि जाहिर है हमने ये कहा कि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिट्रोल जो है इन दोनों का काम यह है कि इन्होंने ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अब बढ़ाने का तरीका क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर देंगे। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हमारी कहाँ से होती है, किडनी से, और जो हमारा जीआईटी ट्रैक है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है यानी इंटेस्टाइन के थ्रू। सो पैराथायराइड हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस द सीरम कैल्शियम लेवल्स बाय इंक्रीजिंग द बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीजिंग द रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एक्टिवेटिंग द रीनल वन हाइड्रोक्सिलेज दैट प्रोड्यूसेस कैल्सिट्रोल फ्रॉम द कैल्सिड्रॉयल। इसका इंपॉर्टेंट काम ये है पैराथायराइड हार्मोन का, जो कि कैल्सिट्रोल भी हमने नहीं देखा, कि ये प्रोडक्शन कराता है एक रीनल वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो कि कैल्सिट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है कैल्सिट्रोल फ्रॉम द कैल्सिड्रॉयल 25OHD3। यानी जाहिर है फिर कैल्सिड्रॉयल की जब कैल्सिट्रोल की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उसने फिर वही मैकेनिज्म करना है कि वो प्रोड्यूस करेगा जो कि प्रोड्यूस होगा किडनीज के थ्रू और फिर उसी तरह से कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम थ्रू किडनीज एज वेल एज इंटेस्टाइन। सो ये पैराथायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट एक्ट्स ऑन द रीनल वन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ताकि वो प्रोड्यूस करे कैल्सिट्रोल फ्रॉम द कैल्सिड्रॉयल और इसकी वजह से दोबारा से जो है वो जाहिर है कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इन कंट्रास्ट टू द कैल्सिट्रोल द पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीजेस द फॉस्फेट रिजॉर्प्शन इन द किडनीज। वो कह रहे हैं कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ना ये जो फॉस्फेट है उसकी रिजॉर्प्शन इन द किडनीज उसको डिक्रीज करता है। जो कैल्सिट्रोल था उसमें हमने ये कहा था कि ये कैल्शियम और जो फॉस्फेट दोनों की रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन है इट एक्चुअली डिक्रीजेस द फॉस्फेट रिजॉर्प्शन इन द किडनीज लोअरिंग द सीरम फॉस्फेट, जिसकी वजह से सीरम के अंदर जो है वो फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। ठीक है, सो हाई सीरम जो है फॉस्फेट इट एक्चुअली इंक्रीजेस द पैराथायराइड हार्मोन एंड डिक्रीजेस द कैल्सिट्रोल। तो हमने ये देखा कि जो अगर सीरम के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो इंक्रीज़ कर देगा पैराथायराइड हार्मोन को और डिक्रीज़ कर देगा कैल्सिट्रोल को। अ थर्ड हार्मोन दैट इज़ नोन एज कैल्सिटोनिन
जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. इट रिस्पॉन्स टू एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल्स बाय द प्रमोटिंग बोन मिनरलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट. जो कैल्सिटोनिन है ना, बेसिकली इट इज़ रिलीज फ्रॉम द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. और एट टाइम्स जब सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो इसका काम यह है कि ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराता है. और डिक्रीज किस तरह से कराता है, बाय प्रमोटिंग द बोन मिनरलाइजेशन, यानी कि जितना भी कैल्शियम जो सीरम के अंदर पड़ा हुआ है उसको ये अब्सॉर्ब करा देगा बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से बोन मिनरलाइजेशन हो जाएगी, यानी एडिशन ऑफ मिनरल्स टू द बोन्स एंड द इंक्रीजिंग द रीनल एक्सक्रीशन. और किडनीज के थ्रू जो कैल्शियम आयंस की एक्सक्रीशन है उसको बढ़ा देगा ताकि सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए. सो ये हार्मोनल रेगुलेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल कैल्सिट्रोल और पैराथायराइड हार्मोन का है.